सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ पार्ट कवर किया था, है ना, और उसका कुछ पार्ट रह गया था. सो दैट इज दीज इक्वेशंस. और ये इक्वेशंस तब लगती हैं जब मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती रहती है या घटती रहती है, यानी कि मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट रहता है. ओके, तो ये तीन इक्वेशंस तो आप लोग पहले से जान रहे होंगे, ये तीन इक्वेशंस पहले से जान रहे होंगे. v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, s is equals to ut plus half at square. इसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस है, और t जो है टाइम. ये तीन इक्वेशन तो आपको पता ही होनी होगी. इसके अलावा एक ये इक्वेशन और है nth टाइम इंटरवल के लिए. तो जैसे कि मान लीजिए आपको 3 और 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालना है, तो आप 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालिए, उसको 4 सेकंड के डिस्टेंस से माइनस कर दीजिए. तो ये फॉर्मूला वही है, तो इसमें कुछ खास नहीं है. अगर आपको ये तीनों इस्तेमाल करने आते हैं तो आप उसके बाद भी लगा सकते हैं. एक दो जगह शायद एक दो क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है, तो यूज होता है कोर्स में, तो देखना तो पड़ेगा ही. यहाँ पे एन टाइम इंटरवल है, ये टाइम की वैल्यू है एन, लेकिन डिस्क्रीट वैल्यू है 2, 3, 4 सेकंड ऐसे. ओके, तो इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन हम लोग जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसी में हम लोग जो है उसके बाद जो है इन इक्वेशन के थ्रू ही मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे. जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंक रहे हो किसी टावर से, या ड्रॉप कर रहे हो, है ना, या किसी टावर पे या बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर ऊपर फेंक रहे हो, तो उसका मोशन कैसा होगा और उसे कितना टाइम लगेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, वो सारा एनालिसिस हम इन तीन इक्वेशंस के ऊपर करेंगे. ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी और ओके. सो इन तीन इक्वेशन को हम लोग क्यों ना किसी क्वेश्चंस के थ्रू समझे. तो एक ये क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल में है कि 2 cars स्टार्ट ऑफ अ रेस विद वेलोसिटी 2 m/s एंड 4 m/s इन स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration 2 m/s and 1 m/s respectively. What is the length of the path if they reach the final point at the same time? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये रेस ट्रैक है सम ओके, यहाँ पे 2 cars हैं, कार ए है, कार बी है. ए इज हैविंग वेलोसिटी 2 m/s, बी इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ 4 m/s, और एक्सेलरेशन ए का 2 m/s है, per second square है, और b का 1 m/s है, और ये सेम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं. फिनिश लाइन ये है, इस लाइन तक ये सेम टाइम में पहुंच रहे हैं. तो ये जो ट्रैक है, इनका रेसिंग ट्रैक है, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो अगर ये रेसिंग ट्रैक s डिस्टेंस है इसका, तो दोनों ही s डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, है ना. तो जो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की हमें पता है, दोनों कितना एक्सेलरेशन है वो हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे और टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में ये दोनों जो है पहुंचते हैं. देखिए, जो कि साथ में पहुंच रहे हैं, देखिए फाइनल पॉइंट पे वो सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. ओके, तो देखिए जो डिस्टेंस s है जो पहली बॉडी कवर कर रही होगी वो u1 t प्लस हाफ at2 होगा, क्योंकि तो पहली बॉडी को टाइम लग रहा है t, और डिस्टेंस कवर कर रही है वो s, तो दूसरी बॉडी भी वही डिस्टेंस कवर कर रही होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2t मान लेता हूं, चलिए u2 है और t से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाफ at2 a1 और a2. तो ये पहली बॉडी के लिए डिस्टेंस का रिलेशन, ये वाला रिलेशन, और दूसरी बॉडी के लिए डिस्टेंस का रिलेशन, दोनों ही बराबर होगा, करेक्ट. तब इसका ये मतलब हुआ, जब इसकी इक्वेट करेंगे, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो पहली बॉडी का वेलोसिटी है 2t प्लस हाफ a1 जो है पहला एक्सेलरेशन है 2 m/s स्क्वायर t स्क्वायर
इज इक्वल्स टू यू टी है 4t प्लस हाफ ए टू जो है 1 मीटर है, इसे 1 रख दूंगा और टी स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर का ये टर्म है और टी स्क्वायर का ये टर्म है, इसको टी स्क्वायर के टर्म को एक तरफ ले लूँ और टी के टर्म को एक तरफ ले लूँ, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू 4t माइनस 2t। ओके सो दिस विल गिव यू टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू 2t। ये टी इस स्क्वायर खत्म कर देगा, तो टी वी कैन से इज 4 सेकेंड्स। तो पहली चीज जो हम लोगों ने इस इक्वेशन निकाली कि ये इसको यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों को 4 सेकेंड लगा है। तो पहली इक्वेशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं तीसरी वाली इक्वेशन, क्योंकि हमने देखा कि डिस्टेंस बराबर था और हमें इनिशियल वेलोसिटीज पता थी, तो हमने जज किया कि मुझे ये इक्वेशन यूज करना चाहिए और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना चाहिए दोनों बॉडीज के लिए। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि लेंथ ऑफ द पाथ कितना होना चाहिए, तो लेंथ ऑफ द पाथ किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दीजिए। अगर मान लीजिए u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर में अगर हम रख रहे हैं, तो u1 है 2, टाइम लगा 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसका 2 है पहले वाले का ए बॉडी का, और टी स्क्वायर हो जाएगा 16। सो 8 प्लस 16 इट विल गिव यू 24 मीटर्स। सो दिस इज नॉट, तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, लोग देते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, ओके, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो, जो पहली बार देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को वो भी पढ़े, और जो एक बार देख चुके हैं क्वेश्चन को वो भी इस क्वेश्चन को यहाँ समझ सकते हैं। तो एक ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेटफॉर्म अप्रोच कर रही है, और एक बर्ड है जो पोल पे बैठी हुई है प्लेटफॉर्म पे, और जब ट्रेन एक पोल से 2 किलोमीटर दूर रहती है, दिस इज 2 किलोमीटर्स एंड दिस इज ट्रेन, ओके, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो हमें क्या पता है, ट्रेन की स्पीड जो है वो है वेलोसिटी इनिशियली 2 किलोमीटर पर आवर, और वो 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी है, और ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं जब ये 2 किलोमीटर दूर है, तो उसके बाद ट्रेन जो है डी एक्सेलरेट करती है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को घटा रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा इस केस में, ओके, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ट्रेन जो है 2 किलोमीटर बाद वो रुक जाएगी। तो जब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया गया, उस इंस्टेंट पे एक बर्ड है इस पोल पे बैठी हुई जो इस ट्रेन की तरफ उड़ती है, और उसके बाद ये वापस इस ट्रेन को छूती है, फिर वापस जाती है पोल की तरफ, फिर वापस आती है इस ट्रेन को छूती है, तब तक ये करती है जब तक ये ट्रेन यहाँ इस पोल तक ना पहुंच जाए, और उस पोल पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ओके। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब दूसरी चीज हमें पता है कि बर्ड की स्पीड कितनी है, बर्ड की स्पीड हमको पता है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, और अब पूछा है कि बर्ड कितना डिस्टेंस कवर करती है इस दौरान, जब तक वो ट्रेन रुक नहीं जाती है, तो हम बर्ड के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उसकी स्पीड पता है, तो जब तक ये ट्रेन रुकती नहीं है तब तक ये बर्ड उड़ती रहती है, तो क्यों ना हम वो टाइम कैलकुलेट कर लें फ्लाइट का उस बर्ड की, वो सेम होगा जितना इस ट्रेन को रुकने में समय लगेगा, है कि नहीं। जैसे इसने ब्रेक लगाया, एक बर्ड उड़ना शुरू करी, जो आगे पीछे उड़ रही है जब तक ये ट्रेन 2 किलोमीटर बाद रुक नहीं जाती। तो इस ट्रेन को रुकने में कितना टाइम लगेगा उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक और चीज हमें नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए इस ट्रेन का, या डीजेलरेशन क्या होना चाहिए इस ट्रेन का, क्योंकि ये ट्रेन रुक रही है, ब्रेक लगाया गया है। सो फॉर दैट वी सी दैट वी हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वी हैव डिस्टेंस दैट द ट्रेन कवर्स, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू स्क्वायर इज इक्वल्स वी स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वो वेलोसिटी को यहाँ कम कर रहा है। देखिए इनिशियली जो है 20 किलोमीटर पर आवर थी, 20 स्क्वायर हो जाएगा, 2 किलोमीटर बाद वो रुक जानी है, माइनस 2as जो है यहाँ पे 2 किलोमीटर है। जब इसे रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, दिस विल कम 100
किलोमीटर पर आवर्स। ये एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो क्योंकि यहां मैंने पहले ही माइनस रख दिया इसलिए ये 100 आया हुआ है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इसकी वजह से ट्रेन रुक जाएगी। अब इसकी वजह से ट्रेन को रुकने में कितना टाइम लगेगा, हम एक और इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जानते ही हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एट। यहाँ हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन 100 है, जो डीसेलरेशन है यानी कि माइनस होगा, माइनस है, और टाइम ये पता चल जाएगा हमें यहाँ से ऐसे रुकने में कितना टाइम लगा। सो दिस विल बी 20 अपॉन 100 कीपिंग यू 1 अपॉन 5 आवर्स। तो यानी 1 अपॉन 5 आवर्स में ये रुक जाएगी, और इसका मतलब 1 अपॉन 5 आवर्स तक वो बर्ड उड़ती रहेगी। तो बर्ड कितना डिस्टेंस उड़ेगी, उसके स्पीड को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दिस विल गिव यू, अगर आप उसकी स्पीड को उसके टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 × 1/5 दिस विल गिव यू 12 किलोमीटर्स। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया जाता है कई जगह, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे बता देना अच्छा होगा, एक आइडिया लग जाएगा इन इक्वेशन को यूज कैसे कर रहा है। जो दूसरी जो चीज है जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, ये इससे इन इक्वेशन को अभी उसमें यूज है, और ये इक्वेशन जो है और क्लियर हो जाएंगी जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें हम तीन केसेस पढ़ेंगे। पहला केस ये है कि आप कोई चीज जमीन पे आप खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, और कोई चीज आप सीधे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, तब क्या होगा, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कि देखिए, अगर आप यहाँ जमीन पे खड़े हुए हैं और यू थ्रो समथिंग वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी बॉल, फिर कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पे वो रुकेगी और फिर वापस से जमीन पे आ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और जब वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस से वो जमीन की तरफ आएगी, ठीक है। तो एक चीज और है, जो जितनी वेलोसिटी से आपने इसे फेंका है ना, उतनी वेलोसिटी से जमीन से टकराएगी, ये चीज भी एक फैक्ट है, आप जान लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा वही। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट तक जाने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना, ये वाली इक्वेशन लगा दिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाली। तो इसमें देखिए, वेलोसिटी ऊपर के साइड है इनिशियली, एक्सेलरेशन नीचे के साइड है, ऐसे केस में यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। कुछ लोग इसको ग्रेविटी को नीचे मान के और ऊपर वाले डायरेक्शन को ऊपर मान के भी सॉल्व करते हैं, उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन अगर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, यानी कि वो वेलोसिटी को घटा रहा है, तो अगर कुछ फाइनल इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी वो घटनी चाहिए, यानी कुछ उससे सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, तो इसके पीछे का फंडा यही है, फाइनली वो 0 हो जा रही है, इनिशियली वो 20 थी, तो 0 हुई तो कुछ चीज उसे घटाएगी ना, ये एक्सेलरेशन घटा रहा होगा, दिस एक्सेलरेशन इज जी, जो कि मैं 10 लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई दिस टाइम टी, तो टाइम विल बी 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स उसे लगेगा ऊपर तक जाने में। फिर हाउ हाई डज इट राइज, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ। अब दूसरी चीज ये पूछ रहा है डिस्टेंस, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस, और हमें टाइम भी पता चल गया है, तो आप चाहे तो ये वाला लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चाहे तो ये वाला लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2ad2, कोई भी लगा सकते हैं, मैं ये वाला लगा देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। अब एक्सेलरेशन निगेटिव, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नीचे की साइड लग रहा है, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं 2, एक्सेलरेशन जो है 10 ले लेता हूँ, और s जो है ये हाइट होगी जहाँ तक ये जाएगा, सो दिस s विल बिकम 20 × 20 अपॉन 2 × 10, दिस विल गिव यू 20 meters। ओके, सो दिस विल गिव यू 20 meters। तो 20 मीटर्स तक ये जो है, 20 मीटर्स बाद इसकी वेलोसिटी जो है बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 20 मीटर्स है। फिर अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच 10 मीटर हाइट। तो देखिए, 2 सेकंड में ये 20 मीटर हाइट तक जा रहा है,
तो कितने टाइम में ये 10 मीटर हाइट तक जा रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे? अब इस केस में आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम निकालना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है जो 20 मीटर पर सेकेंड है, आपको एक्सेलरेशन भी पता है जो कि 10 है, तो क्यों नहीं ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए और इसमें डिस्टेंस जो है s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर लगाया जाए। और यहाँ पे हमें ये टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस को कितना कवर करेगा, 10 मीटर हमें पता करना है, वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गया, ये टाइम कितना लगा उसे 10 मीटर पहुंचने में ये पता करना है हमें, और हाफ एक्सेलरेशन उसको लग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड का नीचे की साइड, तो यहाँ नेगेटिव लगाया हुआ है, और टाइम स्क्वायर कर दीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो दिस विल बिकम 5, यू कैन राइट 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस विल बिकम t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, शीघ्रचार मेथड लगाते हैं यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस b यानी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 16, माइनस 4ac विल बिकम 4 to the 8, and this will become by 2, so this will come 2 plus minus under root 2, so ek time hoga 2 plus under root 2 aur dusra time hai 2 minus under root 2, so this will come near about 0.6 and this will come 2 plus 1.4, so ye ho jayega aapka 3.41 something seconds। to dekhiye 2 second mein to wo 20 meter pahunch hi ja raha hai, yani kareeb kareeb 0.6 second mein wo 10 मीटर तक पहुंचा होगा। अब इसमें दो वैल्यू आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वापस जब ये लौट के आएगा ना तो 3.41 सेकंड में उसकी हाइट जो होगी 3.41, क्योंकि अंडर रूट 2 समथिंग नियर अबाउट 1.41 होता है, ओके, सो दिस विल बिकम नियरली 3.41 सेकंड पे वो वापस से 10 मीटर हाइट पे होगा, क्योंकि लौट के भी आएगा ना, तो ये 3.41 सिग्निफाई करता है उस पॉइंट को कि उतना टाइम लगने वाला है। अदरवाइज आप देखिए कि 2 मीटर में तो वो पूरी हाइट तक पहुंच रहा है, 20 मीटर तक तो 10 मीटर तक तो उससे कम ही पहुंचेगा, सो 0.6 इज द आंसर। ये तो पहला केस था। दूसरा केस ये है कि बॉडी को वर्टिकली ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से, या फिर वर्टिकली फेंका जाए किसी हाइट से, यानी आप इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे रहे हो बॉडी को नीचे। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम हाइट टू फॉल फ्रीली, एक हाइट एच है उससे स्टोन को रिलीज किया गया कि इट शुड फॉल फ्रीली, यानी कि फ्रीली अगर किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक दूसरा स्टोन वर्टिकली थ्रो किया गया है, यानी उसे ड्रॉप नहीं किया गया, थ्रो किया गया है विथ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस दूसरे स्टोन की 3 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे पूछ रहा है कि जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होनी चाहिए। तो पहले स्टोन की हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, उससे हम ये हाइट निकाल लेते हैं, जब ये हाइट निकाल लेंगे तो इस वाली वेलोसिटी को भी निकाल लेंगे। तो ये हाइट कैसे पता चलेगी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, और वो है जी, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में रखें तो इनिशियली ये 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 4 × 4 = 16, 2 एक्सेलरेशन 10 है, और ये एस भी होगा, ये हाइट होगा, बेसिकली दिस इज एस, तो एस विल बिकम 16/20, I can write 4/5, I'll leave it 16/20, okay। तो ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में जो है ये उस इस जगह की हाइट है। अब दूसरी वाली जो स्टोन फेंका गया, तो दूसरे वाले स्टोन को मैंने 3 मीटर पहले ही नीचे दे दिया था इनिशियल वेलोसिटी, तो दूसरे स्टोन के लिए जो है इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता करना है, और मुझे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पता है। तो मैं इस फॉर्मूले में अगर रख दूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर यहाँ पे 3 है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 है, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितना,
16/20. सो देखिए ये 20, ये 20 कैंसिल हो गया. सो दिस 9 + 16 विल गिव यू 25. सो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल कम अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है. आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इसको, आप खुद जो है जज कर पाओगे, यहां मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, मुझे ये फॉर्मूला लगाना है. देखिए बहुत सारी चीजें याद करने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट को बहुत ही पक्का कर लो. पक्का कैसे होंगे कंसेप्ट? प्रैक्टिस से पक्के होने वाले हैं. प्रैक्टिस से अगर कर लोगे, अगर आपको ये तीन इक्वेशन को लगाने का ना आइडिया मिल गया कि यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, देन यू विल डू एनी क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन आप कर सकोगे जो यहाँ पे आ रहा है, आपके लेवल में जो आ रहा है, इस पे नीट के लेवल का जो भी आएगा आप कर ले जाओगे. प्रैक्टिस करिए. आपसे मैं पहले भी कहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्वेश्चन बैंक्स खरीदिए और जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए. तो जैसे एक नीट मंत्रा की और टेस्ट बाइट की टेस्ट सीरीज है, 499 की है, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन. इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको पसंद आ रही है, उसे ज्वाइन करिए और क्वेश्चन बैंक्स लीजिए, क्वेश्चंस लीजिए, सॉल्व करिए. जितना सॉल्व करेंगे उतनी बेटर होते जाएंगे, है ना. तो ये तीन केसेस तो हो गया. एक और केस बनता है, ये चौथा केस है, दिस इज केस नंबर 4, कि बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट पे आप खड़े हैं और वहां से आप ऊपर फेंक रहे हैं बॉडी को, बॉल को, और फिर वो वापस से नीचे जमीन तक आ रहा है. इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना जहां पे मैं कई जगह पे मैंने देखा है कि वेलोसिटी को ऊपर यहां मानते हैं, डिस्टेंस को ये नीचे नेगेटिव मानते हैं, ग्रेविटी को नीचे नेगेटिव मानते हैं, एंड दे मेक अ क्वेश्चन दैट इज नॉट यू नो जो बता रहे हैं, जो साइन है, साइन कन्वेंशन सब गलत हो जाता है उसमें. सो वाई टू डू दैट, है ना. आप जो सिंपल करिए, इस पूरे पाथ को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. पहला पाथ क्या होगा, आप यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है उस पॉइंट तक, फिर वहां से ये नीचे गिरने में कितना टाइम निकल रहा है ये कैलकुलेट कर लीजिए. दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, इजी हो जाएगा, गलती नहीं होगी. अदरवाइज साइन कन्वेंशन में गलती हो जाती है, हाँ, और टाइम निकालेंगे तो नेगेटिव में आ रहा होगा कहीं ना कहीं. तो बेटर है कि आप बेसिक पे चलिए. क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आते हैं, लग जाएंगे, बस प्रैक्टिस की देरी है, प्रैक्टिस की बात है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर. अब ये देखिए बता दे रहा है कि टावर की हाइट 40 मीटर है और कितनी वेलोसिटी थी इनिशियली, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी. अब आपको पता करना है कि कितना टाइम लग रहा है उसको वापस अर्थ तक आने में. तो आप पहले पता कर लीजिए कितना टाइम लग रहा है ऊपर तक जाने में, फिर ऊपर से हम नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है वो पता कर लेंगे. तो ऊपर से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी में पता है जीरो है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में पता है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ऊपर पहुंचेगा जीरो हो जाएगी. एक्सेलरेशन जो है नीचे के साइड लग रहा है ऊपर जाते वक्त, सो दैट इज -gt. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो रख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 10 रख दीजिए, एक्सेलरेशन 10 मानिए, टी विल बी 1 सेकंड. तो 1 सेकंड तो इसे ऊपर जाने में लगा. अब ये मैक्सिमम हाइट तक कितना जा सकता है, सो दैट यू कैन सॉल्व बाई u² = v² = u² -2as. सो u² इज 0, तो s इज u² / 2a, सो दैट इज 100 इन 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 5 मीटर्स, यानी ये और 5 मीटर ऊपर चला गया, सो दिस इज 5 मीटर्स. तो टोटल वो कितनी ऊंचाई पे चला गया, 45 मीटर पे चला गया, है ना, 5 + 40 पहले से था, 45 मीटर की ऊंचाई से वो गिर रहा है. जब कोई बॉडी 45 मीटर की ऊंचाई से गिर रही हो, 40 + 5 = 45 meters, और इनिशियली तब उसकी वेलोसिटी यहां पे जब वो गिर रही है तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहां पे आते समय यहां पे कुछ होगी जब वो टकराएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, लेकिन पता है जब वहां से वो गिर रहा है तो मैं उसकी दूसरे पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानूंगा. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानूंगा, तो इस फॉर्मूले में अगर रखूं s = ut + क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, +2 gt², सो दिस इज 45 = इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दिस टर्म विल बिकम 0, 1/2 एक्सेलरेशन इज 10 * t², तो t² इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 45 × 2/10. 10 इज 10 को मैं लिख सकता हूं 5 × 2, सो 2 कैंसिल, 5 ये कैंसिल करेगा, 9 आएगा, सो t विल कम
3 सेकेंड्स। तो ऊपर से नीचे गिरने में उसे कितना समय लगेगा, टोटल 3 सेकेंड्स लगेगा। और टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में, 1 सेकेंड, और उसके बाद यहां से नीचे आने में 3 सेकेंड, यानी टोटल टाइम जो उसे फ्लाइट का लगा वो था 1 + 3 = 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, एनालाइज करना है, और ये जजमेंट लेना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है, यही इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने ये जजमेंट कर लिया कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे, और वो प्रैक्टिस से ही होगा, किसी ट्रिक व्रिक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है, ये हमारा एक केस मैंने पढ़ा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ किसी टॉप ऑफ द टावर से नीचे इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और वो हिट करता है ग्राउंड को 80 मीटर पर सेकेंड से, यानी हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 80 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो है हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, u² v² = u² प्लस 2s, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है, फाइनल वेलोसिटी 80 है, 80 × 80 लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 × 20 लिख लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, एक्सेलरेशन 10 है, डिस्टेंस आपका s है, सो दिस इज 6400 एंड दिस इज 4400, और प्लस 220s, सो ये इधर जाएगा तो ये 6000 हो जाएगा, = 20s, s इज 300 meters। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, बस जजमेंट डिले में टाइम लगता है कि कौन सा मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो इस तरह से हाइट ऑफ द पावर 300 मीटर निकल गया, ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, इतना आसान था, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा ये सब। तो इसके साथ ही मैं जो हूँ मोशन इन वन डायमेंशन को जो है, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को खत्म कर रहा हूँ। तो आपको मैंने सारे फॉर्मूलेस बता दिए, जो कंसेप्ट चाहिए वो बता दिए, अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप इसको प्रैक्टिस करिए जहां से भी क्वेश्चन मिल रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में मोशन इन प्लेन शुरू करने वाला हूँ, तो मोशन इन प्लेन से पहले आप एक बार वेक्टर्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर, हाँ, तो उससे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताऊंगा, और आगे जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, कॉस थीटा जो होता है थीटा वाले डायरेक्शन में जो होता है, थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, जो थीटा से नहीं जुड़ा होता है वो साइन होता है, तो हम पूरे सब हर वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, और प्लेन में जो है यही सब फॉर्मूलेज लगा के, यही सब कंसेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। तो मोशन इन प्लेन अगला चैप्टर होने वाला है, so see you in that lecture, keep working hard and keep practicing, thank you।